अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब लोग ठीक होंगे। टेंशन तो सबकी लाइफ में ही होती हैं, बट वी शुड ओवरकम ऑन देम। कुछ लोग तो साइकिल पे भी खुश रह लेते हैं और कुछ लोग कार में भी ना खुश ही बैठे होते हैं। खुशी तो आपके अपने दिल के अंदर होती है, तो इसलिए दूसरों की लाइफ पे नज़र रखने की बजाय अपने दिल में, अपनी घर में, अपने इर्द गिर्द खुशी तलाश करने की कोशिश करनी चाहिए। सो डोंट कंपेयर योर लाइफ विद अदर्स एंड डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स। तो आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से घर में रहते हुए मैं छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशियाँ तलाश कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं बेड बना रही थी। सुबह सुबह उठ के सबसे पहला काम मैं यही करती हूँ, क्योंकि जब भी आप बेडरूम में चक्कर लगाएं, आपको नीट एंड क्लीन बेडरूम नज़र आए तो उससे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि घर में बहुत ज़्यादा काम करने के बाद हम थक जाते हैं, तो थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए बेडरूम में आएं तो वहाँ सब चीज़ें ऐसे बिखरी हुई हों, बेडशीट भी इस तरह से हो, तो उससे भी आपको मज़ीद टेंशन होने लग जाती है। तो बेटर यही है कि सुबह उठते ही बेडशीट वगैरह सीधी कर ली जाए और बेड अच्छी तरह से बना लिया जाए। बेडशीट वगैरह रोज़ तो मैं चेंज नहीं करती, लेकिन कभी कभी वंस इन अ वीक चेंज कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं भी बेडशीट चेंज कर ली थी और रूहान भी मेरा साथ दे रहा था उसमें। चीज़ों को एक्सपायर होने से पहले पहले यूज़ करने में भी मुझे खुशी फील होती है। जिस तरह से मेरे पास ब्रेड पड़ी हुई है तो उसकी आज लास्ट डेट है, तो मेरी कोशिश है कि उसी को आज मैं यूटिलाइज़ करूं, उसी से मैं अपना नाश्ता जो है वो बना लूं। तो मेरी ये भी कोशिश होती है कि मैं फुल ऑफ कलर्स चीज़ें बनाऊं, जिस तरह के डिफरेंट किस्म की वेजिटेबल्स, डिफरेंट कलर्स की वेजिटेबल्स यूज़ करूं। तो आज मैं नाश्ते में बना रही हूं अंडा ब्रेड, लेकिन उसमें मैं काफ़ी ज़्यादा सारी वेजिटेबल्स ऐड कर लूँगी और इस तरह से मेरे नाश्ते में कलर्स भी ऐड हो जाएंगे और मेरी ब्रेड जो है वो भी यूटिलाइज हो जाएगी। इसी तरह से दूध और दही वगैरह फ्रिज में जो पड़ा होता है, तो उन्हें एक्सपायरी डेट से पहले पहले यूज़ करने में मुझे बहुत खुशी फील होती है। खुशी इस चीज़ की फील होती है कि मैंने फूड को ज़ाया होने से बचा लिया और उसे पहले पहले ही यूज़ कर लिया। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए नाश्ता। मैंने एक एग लिया है और उसमें अपने हिसाब से मैंने वेजिटेबल्स ऐड कर ली हैं। जस्ट नमक और काली मिर्च ऐड की है, थोड़ा सा प्याज, कैप्सिकम और टमाटर ऐड कर दिया कट करके, और ग्रीन चिली भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। थोड़ा सा ऑयल लेके उसमें मैं ये अंडा जो है वो फ्राई कर लूँगी। मेरी ये भी कोशिश होती है कि लेस ऑयल यूज़ करूं मैं, तो इसलिए मैंने एग के ऊपर ही ब्रेड को इस तरह से रख दिया है, क्योंकि अगर ब्रेड मैं अलग से गर्म करूंगी तो उसमें भी ऑयल यूज़ होगा। तो इस तरह से लेस ऑयल में नाश्ता रेडी हो जाता है। इसके ऊपर एक स्लाइस मैं चीज़ का रख दूंगी, तो इस तरह से मेरे नाश्ते में प्रोटीन के साथ साथ कैल्शियम भी ऐड हो जाएगा। इसमें सभी फूड ग्रुप्स शामिल हैं, तो फुल ऑफ प्रोटीन, कैल्शियम, वेजिटेबल्स और कार्बोहाइड्रेट्स हैं इसमें, तो बहुत टाइम तक इससे मैं फीलिंग फुल रहूँगी। तीसरी चीज़ जो मुझे घर में रहते हुए बहुत ज़्यादा खुशी देती है, वो ये कि मैं अपने बेटे के साथ खेलती हूँ, उसके साथ डिफरेंट टॉयज़ यूज़ करती हूँ, डिफरेंट तरह से उसको एंटरटेन करने की कोशिश करती हूँ, तो उससे मुझे ख़ुद भी बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के मैं फ्रूट्स उसको दे रही हूँ, वो उसको खोल रहा है, तो मैं उसे थोड़ा मोटिवेट भी कर रही हूँ। इससे बच्चे की थोड़ी माइंड की एक्सरसाइज भी हो जाती है, आईक्यू लेवल तेज़ होता है बच्चे का, और उसे मैं थोड़ा मोटिवेट भी करती जा रही हूँ साथ साथ के यू आर डूइंग गुड जॉब।
क्योंकि बच्चों को जस्ट टॉयज ही प्रोवाइड करना काफ़ी नहीं होता, हमें ख़ुद भी उसे पर्सनली अटेंशन देनी चाहिए। तो इस तरह करने से मुझे ख़ुद भी मज़ा आता है, जब मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ मैं ख़ुद भी रिलैक्स फील करती हूँ। माइंड के साथ साथ बॉडी की टेक केयर भी बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए मैं ट्वाइस अ वीक उसके फुल बॉडी मसाज करती हूँ। तो एक दो घंटे के लिए वो खेलता रहता है, तो उसके बाद में मैं उसको बाथ दे देती हूँ। अपने बेबी के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी बनाना फूड की, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी देता है। मैं चाहती हूँ कि वो हर तरह की चीज़ें खाए और डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर की उसको मैं चीज़ें बनाकर देती रहती हूँ। तो आज भी मैं एक डिफरेंट सी चीज़ बना रही थी, मैंने कैरेट को हल्का सा ब्लांच कर लिया है, उसके बाद उसको मैश कर लिया है। मैंने 1/4 कप यहाँ पे ओट्स फ्लार का लिया है, ये घर में ही मैंने ओट्स जो है उनको पीस लिया था, और थोड़ा सा मैंने इसमें प्रोटीन पाउडर डाला है, और 1/4 कप ही इसमें मैं कैरेट की प्यूरी डाल रही हूँ। 1 एग उसमें मैंने शामिल कर दिया, और ये जो मैंने पाउडर लिया था ना वो भी 1/4 कप ही था। अभी 1 or 2 drops मैंने इसमें वनीला एसेंस के डाल दिए हैं, तो इसको मैं अच्छी तरह से मिक्सअप कर लूँगी। ये बैटर कुछ ज़्यादा ही थिक सा लग रहा था, तो अभी इसमें मैंने थोड़ा सा दूध शामिल कर दिया है, 1 से 2 tablespoons शामिल किए हैं मैंने इसमें, तो इसको दोबारा से मैं मिक्सअप कर लूँगी। अभी यहाँ पे मैंने लिया पैन और उसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा देसी घी। मैं कोशिश करती हूँ कि उसके लिए मैं वो वाला फ़ूड बनाऊँ जो कि सभी फूड ग्रुप्स को भी कवर कप करता हो और हेल्दी भी हो, न्यूट्रिएंट्स भी उसमें अच्छे हों, क्योंकि ये एज होती है कि बच्चों की एक अच्छी ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे वीक होते हैं तो वो फिर स्टार्टिंग से ही वीक होते हैं, तो इसलिए मैं ट्राई करती हूँ कि ऐसा फ़ूड उसको दूँ जो कि फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी हो और टेस्टी भी हो, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी भी हो उसके लिए। तो ये मैंने पैनकेक्स बना लिए हैं उस बैटर के, ये देखें इसका कलर कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से देखने में। ये देखने में बिल्कुल इस तरह से लग रहा है जैसे मकई की रोटी होती है, इसका कलर बहुत अच्छा लग रहा है, और अगर ये रेड कलर की कैरेट्स यूज़ की होती इसमें तो इसका कलर और भी ज़्यादा टेम्पटिंग लगना था। इसमें चूंकि मैंने शुगर ऐड नहीं की थी तो इसलिए एंड में मैं इसके ऊपर डेट सिरप डाल रही हूँ, तो डेट सिरप के अलावा इस जैम के साथ भी बच्चों को खिलाया जा सकता है, हनी भी डाला जा सकता है। तो ये देखें सॉफ्ट और फ्लफ़ी से पैनकेक्स बन के रेडी हो चुके हैं। घर में रहते हुए ही मैं डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, डिफरेंट किस्म की चीज़ें भी ट्राई करती रहती हूँ, और जब वो बहुत अच्छी चीज़ बन जाती है तो हस्बैंड तारीफ़ करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है उससे। तो इसी तरह से आज मैं एक और एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, और इसके साथ साथ मेरी कोशिश ये भी होती है कि जो मैं खाना बनाऊँ ना उसको हेल्दी वे में बनाऊँ। एक तो उसमें सब फूड ग्रुप्स भी शामिल हों, फर्स्ट थिंग ये होती है, और सेकेंड ये कि वो हेल्दी वे में बनाया जाए। तो मैंने लिया है यहाँ पर मटन का कीमा लिया है, साथ में मैंने छोटे साइज़ का प्याज लिया है, लहसुन है, और ये सब्ज़ मिर्चें हैं, 2 ज़ीरा है, और थोड़ा सा मैंने अनारदाना लिया है।
तो इन सब चीज़ों को मैं चॉपर में डाल के चॉप कर लूँगी, फाइन चॉप करना है इसको। चॉप करते हुए मैंने इसमें थोड़ा सा सब्ज़ धनिया भी ऐड किया था, वो ऑलरेडी कटा हुआ था लेकिन फिर भी मैंने इसके अंदर डाल दिया ताकि वो भी बारीक पिस जाए उसके साथ ही। तो अभी जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं वो इसमें ऐड कर लेती हूँ मैं। ये मैंने 1 टीस्पून इसमें डाला है जिंजर गार्लिक पेस्ट, और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा, इसमें ऐड करूँगी ब्रेड क्रम्स क्योंकि इससे इसकी अच्छी तरह से बाइंडिंग हो जाएगी। तो ये मैंने डाल दिया इसमें 1 टीस्पून धनिया पाउडर, और सॉल्ट ऐड कर दिया, सुरख मिर्च पाउडर अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसको डाल लें। तो इसको मैं मिक्सअप कर लूँगी, स्पून की मदद से नहीं, आप इसको हाथ से अगर मिक्सअप करें तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसको इस तरह से गूंदना है जिस तरह से आटा गूंदते हैं ना, इस तरह से इसको मिक्सअप करना है ताकि जो अंदर ब्रेड क्रम्स डाले हैं ना वो थोड़े फूल जाएंगे और इनकी अच्छी तरह से बाइंडिंग हो जाएगी। जितनी अच्छी बाइंडिंग होगी उतने अच्छे कबाब बनेंगे इसके। तो अभी मैंने छुरी की मदद से इनको 4 पीसीज में डिवाइड कर लिया है। तो ये जो छोटी सी प्लेट होती है ना चाय के कप के ऊपर रखने वाली, वो मैंने ली है, उसके ऊपर मैंने आम जो शॉपिंग बैग होता है वो काट के लगा लिया है, और इस तरह से मैं इसको थोड़ा सा शेप अप कर लिया है। तवे के ऊपर इसको डालूंगी हल्के से ऑयल के साथ, और उसको मैं दोबारा से शेप अप कर दूंगी। तो इसी तरह से मैं 3 कबाब मैं इस तरह से फ्राई पैन पे बना लूंगी, और एक मैंने सोचा था कि मैं एयर फ्रायर में ट्राई करूंगी। मैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें एयर फ्रायर में भी ट्राई करती रहती हूँ कि कौन सी चीज़ किस चीज़ कहाँ पे ज़्यादा अच्छी बनाई जा सकती है। यहाँ पे भी वैसे तो लेस ऑयल में ही बन रहे हैं ये, लेकिन एयर फ्रायर चूँकि मैंने न्यू ही लिया है तो इसलिए मैं इसमें भी चीज़ें ट्राई करती रहती हूँ। तो इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल ब्रश कर दूँगी साइड पे भी और इसके नीचे वाले पोर्शन में भी, और 1 कबाब जो है वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और थोड़ी सी इसको चप्पल कबाब की लुक देने के लिए मैंने इसके ऊपर एक टमाटर का स्लाइस रख दिया है, और जस्ट 6 to 7 मिनट्स में ये रेडी हो जाएगा। इधर जो मैंने फ्राई पैन में रखे हुए थे कबाब बनने के लिए, उन्होंने भी पानी ऐसे छोड़ दिया है और इनका हल्का हल्का सा कलर आना भी स्टार्ट हो गया है। इनको मैंने स्टार्टिंग में हल्की आंच पर रखा था, बाद में कलर देने के लिए थोड़ी सी आंच इसकी तेज़ की है मैंने। और ये देखिए, ये जो पानी इसका निकला था उसी का कलर इधर उधर आया है, तो इसको भी ज़ाया नहीं करना, वो भी आप इसके साथ ही ऐड कर सकते हैं। और इधर ये वाला भी रेडी हो चुका है, 5 से 7 मिनट लगे हैं और काफ़ी ये जूसी और टेंडर हो चुका है। तो अभी ऑयल थोड़ा सा इसके ऊपर मैं ब्रश कर दूँगी और दोबारा से इसको 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसमें रख दूँगी। मीनवाइल मैंने सैलड भी रेडी कर लिया है, मैंने टमाटर लिए हैं, प्याज कट किया है, थोड़ा सा धनिया पुदीना कट किया है, और एक मैंने कैबेज थोड़ा सा पीस उसका कट कर दिया है। इधर कबाब भी रेडी हो चुके हैं, तो इनके ऊपर मैं लगा दूंगी एक एक स्लाइस चीज़ का ताकि वो भी अच्छे से मेल्ट हो जाए। बन लिए हैं तो उसके ऊपर मैं उन कबाब्स को पुट कर दूंगी। अभी ये जो सैलड कट करके रखा था उसको मैं एक बॉल में असेंबल कर लूँगी और उसमें बाकी की चीज़ें भी ऐड कर दूँगी। ज़्यादा कुछ नहीं जाएगा, ज़्यादा फैंसी टाइप का नहीं मैं बना रही इसको, जस्ट मैंने नमक और काली मिर्च डाली है इसके ऊपर और लेमन जूस। ये बहुत मज़े का लगता है, इवन के पराठा रोल वगैरह भी बनाना हो तो ये सलाद जो है वो बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग रहता है, क्योंकि इसमें ये जो मिंट लीव्स और कोरिएंडर लीव्स है ना उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सैलड लगाने के बाद अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी मायो लगा दूंगी। मायोनीज भी में भी आप लो फैट मायोनीज या लेस फैट वाली मायोनीज ले सकते हैं।
एंड दैट्स इट। और ये मैं अपना बर्गर यहाँ पे रेडी कर रही हूँ, ये जो मैंने उसमें एयर फ्रायर में बनाया है, तो वो वाली पैटी लगा दी मैंने और उसके ऊपर अब मैं सैलड लगा दूँगी। केचप लगाई है मैंने स्टार्टिंग में, एक चीज़ स्लाइस रख दूँगी और थोड़ी सी मायोनीज भी ऐड कर दूँगी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपने वाला जो मैं बनाऊँ उसमें मैं लेस इन्ग्रीडियंट्स इस तरह के ऐड करूँ। ऑलरेडी ये वैसे लेस फैट वाली है लेकिन फिर भी, एंड दैट्स इट। ये मेरी प्लेट रेडी हो गई है, मैंने एक ही बर्गर बन लिया है और ये मेरे हस्बैंड की है। जब बेबी सो जाता है तो ये मेरा टाइम होता है, उस टाइम पे मैं बैठ के फ़ोन वगैरह यूज़ करती हूँ, डिफरेंट सोशल मीडिया देखती हूँ, लाइक फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, या मैं अपना ही यूट्यूब चैनल है उसको देखती हूँ, या फिर मैं ये देख लेती हूँ, डिसाइड करती हूँ कि नेक्स्ट मैंने वीलॉग जो बनाना है वो किस टॉपिक पे बनाना है। तो ट्राई मैं यही करती हूँ कि उसके जब वो जाग रहा हो तो मैं अपना काम उस टाइम पे ना करूँ, जब वो सो जाता है तो उस टाइम पे मैं इस तरह का काम करती हूँ। इसी तरह से एडिटिंग करना भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, घर में रहते हुए एडिटिंग करते हुए भी मैं बहुत ज़्यादा खुशी फील करती हूँ, क्योंकि मुझे शुरू से ही कंप्यूटर वगैरह पे काम करना बहुत पसंद था। तो एडिटिंग करते हुए भी डिफरेंट किस्म के फॉन्ट यूज़ करना, डिफरेंट तरह के कलर्स उसमें ऐड करना और ट्रांजिशन लगाना डिफरेंट टाइप की और डिफरेंट तरह का म्यूज़िक उसमें ऐड करना, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी देता है। तैयार होना तो सभी लेडीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन सम टाइम ऐसे होता है कि घर में बहुत ज़्यादा बिज़ी रहने की वजह से हम खुद को इग्नोर कर देते हैं। तो बस मैं ट्राई करती हूँ कि घर में भी इस तरह से रेडी हो के रहूँ, क्योंकि इससे एक तो आपका मूड बहुत अच्छा रहता है और आप फ्रेश भी फील करते हैं। तो इस तरह से घर में रहते हुए भी मैं अगर तैयार हो जाऊँ तो उससे मुझे बहुत अच्छा फील होता है, मुझे खुशी फील होती है। होपफुली आपको भी घर में खुशी तलाश करने के लिए काफ़ी सारी टिप्स मिल गई होंगी। तो ये था आज का वीलॉग, होपफुली आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।